हेलो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो आई एव एक्सप्लेंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेशन नाउ इन दिस वीडियो आईड लाइक टू एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट लेशन व्हेन आई पास द टाउन हॉल हमारे हम लोग छोटे शहर में रहते हैं इंडिया में कुछ जगह ही ऐसी व्यवस्था है कि नगर की यह पूरी व्यवस्था सार्वजनिक तौर पर अब तो बड़े बड़े कैमरे लग गए हैं बड़ी बड़े टी सेट लग गए हैं जिस पर लोग देख सकते हैं समाचार लेकिन प्रोफेशनली तौर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां पर लोग जाकर के एथेंटिक समाचार को प्राप्त कर सके वहां पर थी पास द टाउन हॉल जब मैं टाउन हॉल जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो देरवाची क्राउड वहां पर एक भीड़ थी इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड अर्थात सूचना पट के सामने बहुत अत्यधिक भीड़ थी फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम दियर पिछले दो वर्षों में जो सबसे ख़राब समाचार थे इसी जगह से हम सबको प्राप्त हुए थे इसलिए वहाँ पर लोग इकट्ठे थे तो मुझे लगा कि कुछ समाचार यहाँ से मिलने मिल रहे हैं द लास्ट बुलेटिन लास्ट बैटल्स अर्थात हारे हुए युद्धों के समाचार द ड्राफ्ट सेना में भर्ती के समाचार द आर्डर्स ऑफ द कमांडेंट ऑफिसर्स अर्थात भर्ती के आदेश समाचार सेना के अधिकारों के आदेशों से संबंधित समाचार एंड आई थाट टू माई सेल्फ और मैंने अपने बारे में सोचा मैं सोच सोचता गया विदाउट स्टॉपिंग बिना वहाँ ठहरे हुए व्हाट कैन बी द मैटर नाउ कि अब क्या मामला हो सकता है अब क्या बात हो सकती है देन आई देन एज आई हरीड और जैसे कि मैं जल्दी में था एज कुड़ गो जितना तेज मैं चल सकता था तो ब्लैक स्मिथ जो वाल्ट वाक्टर अर्थात जो वाक्टर नाम का लोहार था हुज दियर विथ हिज अप्रेंटिस जो कि अपने प्रशिक्षु के साथ रीडिंग द बुलेटिन समाचार पत्र को पढ़ रहा था ने पीछे से पुकार कर मुझसे कहा मुझ अर्थात मुझे पीछे से बुला करके उसका कहा ऐसा लग जैसे मुझे बुला कर कहा डोंट गो सो फास्ट इतना तेज मत चलो बब यू शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम अर्थात उसने मुझे मैं बहुत तेज़ चल भयभीत भी था कि कौन से समाचार हूँ के कारण उसने मुझे बुला करके कहा इतना तेज चलो स्कूल पहुँचने के लिए आई शैल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम अर्थात यू हैवे लॉट ऑफ टाइम टू रीच योर योर कॉलेज और इस्कूल तुम्हारे स्कूल पहुंचने के लिए पर्याप्त है इसलिए तुम तेज ना चलो देट्स ऑल फॉर दिस पीरियड